इसमें दो तरह के सॉफ्ट बॉक्स आते हैं। तो ये लाइट ऑलरेडी मेरा सॉफ्ट बॉक्स लगा हुआ है, आप देखिए कोई भी शेडो नहीं आ रही है शाइन, अगर ये बिल्कुल सीधा रहता है ये देखिए, लेकिन अगर मैं इसको टेढ़ा करता हूँ तो ये शाइन हट जाती है। इसी चीज़ को कम करने के लिए मैंने ये मंगाया है। हेलो दोस्तों, जीटेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों धीरे धीरे दुनिया चेंज हो रही है, हर चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट आती जा रही है, फ़ोन मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप सभी में। इन्हीं चेंजेस को ध्यान रखते हुए हम भी अपने स्टूडियो को धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं, और उसी अपग्रेडेशन को देखते हुए आज हमने मंगाया है गॉडएक्स का सॉफ्ट बॉक्स। आपने मेरा स्टूडियो का वीडियो देखा ही होगा, ऑलरेडी हमारे पास गॉडएक्स का सॉफ्ट बॉक्स था, लेकिन उसके अंदर दिक्कत क्या थी कि उस सॉफ्ट बॉक्स के अंदर गॉडएक्स की लाइट का क्लैंप नहीं था, जिसे बोवेन क्लैंप कहते हैं, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। उसी के लिए मैंने ये गॉडएक्स का सॉफ्ट बॉक्स खरीदा है। ये एक रेक्टेंगल सॉफ्ट बॉक्स है, ऑलरेडी मैंने एक ऑक्टागन शेप में सॉफ्ट बॉक्स को ऑर्डर किया था, लेकिन वो मेरे बहुत ज़्यादा काम नहीं आया, क्योंकि जहाँ पे मेरा स्टूडियो है या जो भी एक घर है मेरा, उसमें बहुत छोटा एरिया है। तो अगर मैं उस सॉफ्ट बॉक्स को छत पे लगाता हूँ तो घर इतना छोटा है कि वो सॉफ्ट बॉक्स के खुलने के बाद पंखा उस पर ईजीली टकराता है, तो वो जो सॉफ्ट बॉक्स का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। इसी की वजह से मैंने ये सॉफ्ट बॉक्स मंगाया। इसकी जो लेंथ है वो है 3 फीट और जो इसकी चौड़ाई होगी वो होगी 2 फीट, तो एग्जैक्टली ये मेरी टेबल के ऊपर आ जाएगा। तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो गॉडएक्स का जो ये सॉफ्ट बॉक्स है एक ऐसे केस में आता है, इसको हम ओपन करेंगे। तो इसी को कहते हैं बोवेन माउंट। तो जो लाइट होती है वो इस पर माउंट हो जाती है। तो हमारे पास SL60W है, उसका भी वीडियो आपको इसी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि वो लाइट कैसे काम करती है। ये इसका मैश है सॉफ्ट बॉक्स का, जो नीचे लगता है, जो बेसिकली एक जाली के जैसा होता है। इसका काम ये होता है, जो भी लाइट सॉफ्ट बॉक्स से रिफ्लेक्ट होके आती है उसको ये थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है और भी ज़्यादा। तो इसी की वजह से मैंने ये वाला मॉडल परचेज़ किया। इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। और इसके अंदर आपको मिल जाते हैं डिफ्यूज़र्स, तो 2 डिफ्यूज़र होते हैं इसमें, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों मेन क्वालिटी जो होती है वो डिफ्यूज़र की ही होती है, तो जितना अच्छा डिफ्यूज़र होगा, डिफ्यूज़र की क्वालिटी होगी, उतना ही अच्छा वो लाइट को सॉफ्ट करेगा। ये अगर आप डिफ्यूज़र लेने जाएं मार्केट में, वैसे तो ये मिले नहीं मुझे, लेकिन अगर आप ये डिफ्यूज़र लेने जाएं मार्केट में तो यही डिफ्यूज़र्स जो हैं आपको 2-3 हज़ार रुपए के कपड़े मिलते हैं डिफ्यूज़र के। तो एक बड़ा डिफ्यूज़र है और इसी के अंदर एक छोटा डिफ्यूज़र भी है। तो इस तरह से ये डिफ्यूज़र है। इस डिफ्यूज़र में आप देखेंगे साइड में इलास्टिक है और ये हुक्स दिए हुए हैं, तो जो सॉफ्ट बॉक्स होगा उसके अंदर कॉर्नर में हुक्स बने होंगे कपड़े के, तो उसको हमें हुक को इसमें फंसा करके अटकाना होगा। तो ये स्ट्रेच करके पहले ये छोटा अंदर वाला सॉफ्ट बॉक्स लग जाएगा, उसके बाद बड़ा वाला सॉफ्ट बॉक्स लगेगा, और ये हमें मिल जाता है सॉफ्ट बॉक्स। सॉफ्ट बॉक्स से पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है ये डंडियाँ। तो देखिए सॉफ्ट बॉक्स जो हैं रेक्टेंगल में 2 शेप के आते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी गॉडएक्स के सॉफ्ट बॉक्स हैं बोवन माउंट के, इसमें 2 तरह के सॉफ्ट बॉक्स आते हैं। एक आता है अम्ब्रेला वाला, वो बहुत इजी होता है, आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे, तो उसको माउंट करना बहुत इजी होता है क्योंकि उसमें अम्ब्रेला होता है, बस आपको अम्ब्रेला को ओपन करना होता है और वो ओपन हो जाता है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है, जब लाइट का प्रोजेक्शन आता है, सपोज़ लाइट का प्रोजेक्शन आता है और अम्ब्रेला यहाँ पर है, मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ कि अगर लाइट का प्रोजेक्शन आएगा टॉप पे से और अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला का जो बीच वाला हिस्सा है वो एग्जैक्टली लाइट के फ्रंट में आ जाता है, तो उससे क्या होता है कि लाइट जो है स्प्रेड नहीं हो पाती प्रॉपर। तो स्प्रेड ना होने की वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है, इसलिए गॉडएक्स ने हर मॉडल के लिए 2 निकाले हैं। और अम्ब्रेला वाला जो है वो इजी होता है क्योंकि अम्ब्रेला वाले के अंदर आप अंदर बल्ब भी लगा सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपको बल्ब लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये डंडियाँ होती हैं, ये इसके माउंट में ऐसे हो जाती हैं, अटक जाती हैं, और उसके बाद ऊपर से हमें सॉफ्ट बॉक्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। ये है सॉफ्ट बॉक्स।
दोस्तों, अगर आपको एक्चुअल में क्वालिटी का पता चल पा रहा होगा तो ये लाइट ऑलरेडी मेरा सॉफ्ट बॉक्स लगा हुआ है, आप देखिए कोई भी शेडो नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब भी मैं कोई प्लास्टिक की सरफेस लेके आता हूँ, सपोज़ ऐसा सरफेस लेके आता हूँ और इसको मैं सीधा रखता हूँ ऐसे, तो ये शाइन करता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पॉलिश इनको टेढ़ा करता हूँ तो ये शाइन नहीं करता है, लेकिन अगर मैं सीधा रखता हूँ तो देखिए कितनी शाइन कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है दिखता नहीं है एक्चुअल में शाइन, अगर ये बिल्कुल सीधा रहता है ये देखिए, लेकिन अगर मैं इसको टेढ़ा करता हूँ तो ये शाइन हट जाती है। इसी चीज़ को कम करने के लिए मैंने ये मंगाया है। एक्चुअल में मेरा सॉफ्ट बॉक्स ऑलरेडी लगा हुआ है बिल्कुल टॉप पे, सेम यही है, लेकिन उसमें ये मैश वाला नहीं है, वो दूसरा मॉडल है। तो मैं उसका भी आपको दिखाता हूँ कि कैसा है, और मैं आपको केवल फ़ोटो में ही दिखा पाऊँगा क्योंकि कैमरा ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो कैमरे को मैं निकाल नहीं पाऊँगा। और इस वाले अब मैं क्या करता हूँ कि अभी इसी के साथ ही ये मैश इंस्टॉल करके देखता हूँ। अभी देखिए मैं आपको टेस्टिंग के लिए एक मेरा और अनबॉक्स के लिए प्रोडक्ट आया हुआ है, तो मैं उसको रख के दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। ये देखिए, तो ये है यूलेंजी का VL120 RGB लाइट, इसका भी आपको अनबॉक्स देखने को मिलेगा जल्दी। तो आप देखिए कि किस तरह से ये दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करता हूँ तो ये प्रोडक्ट पूरा विजिबल होता है, या फिर मैं ऐसे करता हूँ तो ये दिखता है। इसी चीज़ को कम करने के लिए मैं इस पर क्या करूँगा, ये मैश इंस्टॉल करूँगा और देखते हैं कि मैश इंस्टॉल करने के बाद ये कैसा होता है। तो मैं फटाफट से मैश इंस्टॉल कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या इससे इफ़ेक्ट आता है या नहीं आता है, ठीक है। देखिए इसमें अभी भी ग्लेयर आ ही रहा है कुछ, मुझे तो कुछ ऐसा फ़र्क लगा नहीं साउंड बॉक्स के ऊपर ये मैश इंस्टॉल करने से, या जो भी जाल कहेंगे हम जो भी है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा टेढ़ा करता हूँ तो तब सही दिख रहा है। आई थिंक अगर दो सॉफ्ट बॉक्स इंस्टॉल करूँगा तो शायद ये सही हो। हालांकि सॉफ्ट बॉक्स से आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट बॉक्स से क्वालिटी एक बहुत अच्छी मेंटेन होती है, जैसे कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं इसमें काफ़ी, मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ रही है। बाकी आप बताइए कि आपको कैसी लग रही है इसकी क्वालिटी। तो एक बार जूम करके देखते हैं, देखिए जूम करने में भी ग्लेयर आ रहा है, लेकिन जो ग्लेयरी पार्ट नहीं है जैसे ये पार्ट है ये एकदम क्लियर आ रहा है, लेकिन ये जो पॉलिथीन है इसका भी केवल इसकी वजह से ग्लेयर आ रहा है। अगर मैं ये हटा दूंगा तो ये ग्लेयरी पार्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो सॉफ्ट बॉक्स के लिए, और मैं दिखा देता हूँ आपको कि जो मेरा एग्जिस्टिंग सॉफ्ट बॉक्स है वो कैसे इंस्टॉल्ड है। तो दोस्तों हमने दोनों टाइप के सॉफ्ट बॉक्स को परचेज करके उनका टेस्ट करने के बाद ये रिजल्ट निकाला, एक नॉर्मल लाइट या फिर रिंग लाइट से सॉफ्ट बॉक्स की लाइट डेफिनेटली बेटर होती है, जिसमें आपको शेडो बहुत कम आती है या काफ़ी सॉफ्ट दिखती है। और दोस्तों हमने इस वीडियो में जो टेस्टिंग की उसका पर्पज़ ये देखना था कि ओवरहेड जो सॉफ्ट बॉक्स लगा हुआ है क्या उसकी लाइट से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसको मैश वाले सॉफ्ट बॉक्स के ज़रिए कम किया जा सकता है। और हमने देखा कि मैश को इंस्टॉल करने के बाद भी रिफ्लेक्शन तो आ ही रहा है, हाँ थोड़ा कम ज़रूर है लेकिन आ तो रहा है। तो अगर आप भी ऐसा ओवरहेड वीडियो शूट करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं तो इस सेटअप में आपको दो लाइट की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसमें एक लाइट होगी की या मेन लाइट और दूसरी फिल लाइट। तो दोस्तों ये था हमारे इस वीडियो का और इस टेस्टिंग का होल सोल पर्पज़ एंड रिज़ल्ट। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको ये सॉफ्ट बॉक्स कैसा लगा, और अगर आप भी चाहते हैं इसको परचेज़ करना तो आप अमेज़ॉन के लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। तो इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 3150 रुपीज़। तो अगर आप भी इसको लेना चाहें तो आप वहां से ले सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।